हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, माइटोकांड्रिया के डिस्कवरी के बारे में बताया था। सेकंड वीडियो माइटोकांड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था एंड माइटोकांड्रिया की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। अब ये मेरी थर्ड वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि माइटोकांड्रिया से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चन माइटोकांड्रिया से आ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए मैंने आपको माइटोकांड्रिया की पूरी कहानी, पूरी डिस्कवरी, पूरी हिस्ट्री बता दी गाइस। ठीक है, आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा, लेकिन मैंने इस तरह की क्वेश्चन इसलिए लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपको याद करने में भी आसानी हो। ठीक है गाइस, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है माइटोकांड्रिया से कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी। ओके गाइस, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर होगा कोलिकर ने की थी। दूसरा आंसर देखिए गाइस, माइटोकांड्रिया का दूसरा नाम क्या है और इसे किस नाम से जानते हैं। हमारा दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, या हम कह सकते हैं माइटोकांड्रिया का दूसरा नाम क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं गाइस कि इसे हम किस नाम से जानते हैं, माइटोकांड्रिया को और किस नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर होगा गाइस कि हम माइटोकांड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं एंड माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है गाइस, माइटोकांड्रिया में कितने चक्र होते हैं, माइटोकांड्रिया में कितने चक्र होते हैं। तो माइटोकांड्रिया में दो चक्र होते हैं, फर्स्ट नंबर है क्रेब्स चक्र और दूसरा है इलेक्ट्रॉन अभिगमन। गाइस पहला कुछ क्या है, क्रेब्स चक्र, और दूसरा क्या है अभिगमन, सॉरी इलेक्ट्रॉन अभिगमन। ओके गाइस, तीसरा क्वेश्चन बनता है, चौथा क्वेश्चन बनता है हमारा, माइटोकांड्रिया का कार्य क्या होता है, माइटोकांड्रिया का कार्य क्या होता है। तो माइटोकांड्रिया का कार्य क्या होता है गाइस, माइटोकांड्रिया का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना एंड क्रेब्स चक्र का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना एंड क्रेब्स चक्र का निर्माण करना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस हमारा है, क्रिस्टी की खोज किसने की थी। माइटोकांड्रिया में आपको मैंने बताया था अगली वीडियो में, उसमें क्रिस्टी वर्ल्ड दिया हुआ था, तो उसमें जो क्रिस्टी सॉरी गाइस, उसमें जो क्रिस्टी क्या थी, जो झिल्ली अंदर वाली जो झिल्ली थी उसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, जो वलयाकार की बनी होती थी। तो वही चीज इसमें बताया गया है, क्रिस्टी की खोज किसने की थी, तो क्रिस्टी की खोज फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी गाइस, फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया में चक्र होते हैं या किसने बताया था, माइटोकांड्रिया में दो चक्र पाए जाते हैं ये किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो कार्ल बुन नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि माइटोकांड्रिया में दो चक्र होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस किसने कहा था या किसने बताया था। तो माइटोकांड्रिया को पावर हाउस सिकविट्स ने बताया था, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, इस वजह से माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। और ये किसने बताया था, सिकविट्स नामक वैज्ञानिक ने। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है गाइस, माइटोकांड्रिया की अवधि कितनी होती है। तो माइटोकांड्रिया की जो हमारी अवधि होती है वो 5 से 10 डेज की होती है। कितनी होती है गाइस, 5 से 10 डेज। तो गाइस देखिए, माइटोकांड्रिया से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपका, माइटोकांड्रिया का मैंने स्ट्रक्चर के बारे में, डिस्कवरी के बारे में पूरी हिस्ट्री बता दी है एंड लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए लिखवा दिया है ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो। तो आप एक बार हिस्ट्री पूरा पढ़ लेंगे, पूरी वीडियो हमारी देख लेंगे, इसके बाद ये थर्ड वीडियो जो हमारी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सो गाइस, मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, यहीं पे मेरी वीडियो फिनिश होती है।